दोस्तों, अगर मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ स्टॉक के नाम काफी होते हैं तो हर कोई निफ्टी 50 के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके लखपति बनता। हर एक शेयर बाय करने का एक वक्त होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है। दोस्तों, इसके लिए दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक तो है स्टॉक जो आप सिलेक्ट करोगे वो बढ़िया फंडामेंटल क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप बूढ़े घोड़े पे दाव लगाओगे तो हारना तय है। उसी घोड़े पे दाव लगाओ जो तेज दौड़ने के लिए सक्षम है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बाइंग एंड सेलिंग का समय। और दोस्तों, यही समय आपके प्रॉफिट और लॉस को ड्राइव करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा चार टॉप क्वालिटी के शेयर्स और उन चार टॉप क्वालिटी के शेयर्स को बाई एंड सेल करने का सही समय। दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप कहोगे कि मैंने बताया नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल वर्सेटाइल गुरुजी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल का बटन दबा देना ताकि आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के चार स्टॉक शेयर करने के पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मार्केट पर रेपो रेट इन्फ्लेशन हावी हो चुका है, साथ में कुछ वैश्विक कारण भी है जिनकी वजह से मार्केट काफी वोलेटाइल चल रहा है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसी के चलते मार्केट में स्टॉक बाई करने के बाद आपको भी थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टॉक बाई किया और कल से तुरंत प्रॉफिट चालू हो जाएगा। और इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ में स्टॉक के साथ साथ जो बाइंग लेवल से वो भी सजेस्ट करने वाला हूँ, ताकि अगर स्टॉक नीचे आ जाता है तो वो सटीक बाइंग लेवल पे आप उसको बाई करके एवरेज कर सको। आप अगर बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक और सटीक बाइंग स्ट्रेटेजी इन दोनों का साथ साथ में अच्छे से मिलाप करोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट आएगा ही आएगा। अगर आप सही समय पे बाई नहीं करोगे तो इन्फोसिस टीसीएस भी आपको लॉस ही देगा। समझे कि नहीं? सबसे पहले मैं आपको चारों स्टॉक के नाम बता देता हूँ। मेरी लिस्ट में पहला स्टॉक है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल, दूसरा है वेदांता, तीसरा है एनएमडीसी लिमिटेड और चौथा है तानला प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों, अभी आपको स्टॉक के नाम तो पता चल गए, लेकिन बिना सटीक स्ट्रेटेजी के आप इसमें बाइंग करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते। सो हर एक स्टॉक में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको क्या करना होगा, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरी इस लिस्ट में जो पहला स्टॉक आ रहा है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो आप इसके ग्राफ पे देख सकते हो, इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो लगभग 1794 के करीब करीब है। तो मार्केट इतना गिरने के बाद भी इस स्टॉक ने डाउन ट्रेंड नहीं दिखा है। ये स्टॉक काफी स्ट्रांग मोमेंटम दिखा रहा है और आगे भी बहुत अच्छा बढ़ने की संभावना इसमें नजर आ रही है। मान के चलो मार्केट और भी करेक्ट हुआ तो ये स्टॉक अगर नीचे आ जाता है तो आप बेशक, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ 1509 के करीब करीब, तो आप लगभग 1510 1515 के आसपास इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। मार्केट अगर और भी टूटता है तो यहाँ पे एक काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 1400 के आसपास, तो आप 1410 के आसपास भी इसको बाई करके एक्यूमुलेट कर सकते हो। ये एक एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। ये जनरली सुखोई और जो अभी हाल ही में तेजस जो एयरक्राफ्ट है ये बना दी है, इसके नासिक और बेंगलोर ऐसे दो जगह पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। एक लार्ज कैप की कंपनी है और लगभग 60,000 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये एक लो रिस्क की कंपनी है बिकॉज इसमें स्टॉक वोलेटिलिटी काफी कम है और इसमें बाकी सारे इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। फाइनेंशियल्स भी आप अगर इसके देखो तो कंटिन्यूस ईयर और ईयर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ग्रोथ की है। इसका जो नेट इनकम है वो भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर आप देखोगे तो वो भी हर साल बढ़ते ही जा रहा है। सो आप इसको करंट भाव पे भी बाई करने का कंसिडर कर सकते हो और अगर नीचे आ जाता है तो ये दोनों लेवल्स पे सपोर्ट लेवल्स पे आप इसकी बाइंग जरूर करना। हमारी इस लिस्ट में दूसरा जो स्टॉक आ रहा है वो है वेदांता। सो वेदांता में अगर आप देखोगे कि स्टॉक काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है, लगभग 440 के लेवल से स्टॉक अभी जो चल रहा है वो 307, तो लगभग इसमें 40% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और काफी अच्छा मोमेंटम एंड कंसोलिडेशन ये भाव पे वेदांता दिखा रहा है, तो यहाँ पे बाइंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। ये एक माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की एक बहुत दिग्गज लार्ज कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1,15,000 करोड़ के आसपास है। सो मैं कहूंगा कि काफी अच्छा स्टॉक करेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो आप करंट भाव पे इसको बाइंग करने का कंसीडर कर सकते हो। ये स्टॉक अगर यहाँ से फर्दर करेक्ट होता है तो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट लेवल है लगभग 290 के आसपास, इसमें आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कीजिए, और भी स्टॉक अगर थोड़ा नीचे आ जाता है तो 256। ये जो तीनों बाइंग लेवल मैंने अभी आपको बताया, एक तो है 307 रुपया, दूसरा है 290 और तीसरा 256, ये तीनों लेवल पे आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे
स्टॉक काफी अच्छे फंडामेंटल फाइनेंशियल्स हैं। यहाँ पे देखोगे रेवेन्यू भी हर साल क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रो कर रहा है। यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी आप अगर देखोगे लगभग 33,000 करोड़ के आसपास है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। मेरे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है वो है एनएमडीसी लिमिटेड, जो कि है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है और मेटल्स एंड मिनरल्स में इसका कारोबार है। ये एक मिड कैप कंपनी है, 36,600 मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये पर्टिकुलर स्टॉक में मॉडरेट रिस्क बनी हुई है। तो अगर आप चार्ट पैटर्न पे इसको देखोगे तो स्टॉक लगभग 42% करेक्ट हो चुका है 174 की लेवल से। अभी लगभग ये चल रहा है 124 के आसपास। ये काफी अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी इसमें हो चुका है। सो अभी आगे चल के इसमें करेक्शन आने की संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है, और स्टॉक ने काफी अच्छा ट्रिगर भी दिया हुआ है। इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, इसलिए मेरे टॉप 500 की लिस्ट में ये स्टॉक पहले 10 में आया हुआ है। तो इसका मतलब ये काफी अच्छा आगे बढ़ने का चांसेस तो लग रहा है। तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को अभी खरीदने का सोच सकते हो। काफी अच्छे फाइनेंशियल्स है, लगभग आप देखोगे FY19 से लेके FY22 तक 12,700 करोड़ से लेके इसका रेवेन्यू 26,000 करोड़ तक बढ़ चुका है। इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लगभग 7,000 करोड़ से लेके 13,000 करोड़ तक बढ़ चुका है। ये काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल संकेत दिख रहा है। तो आप ये पर्टिकुलर स्टॉक में भी बाइंग का सोच सकते हो। सो मेरे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है वो है तनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विसेज की कंपनी है और काफी दिग्गज कंपनी है। तो ये स्टॉक भी लगभग 2061 की लेवल से 1278 की लेवल पे आ चुका है, जो लगभग 42% का इसमें करेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे काफी अच्छा बाइंग का ट्रिगर मिल रहा है, काफी अच्छा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ये एक मिड कैप सेक्टर की कंपनी है, लगभग 18,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसमें हालांकि थोड़ी सी रिस्क ज्यादा है, लेकिन रिटर्न्स भी ज्यादा आने की संभावना है। तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का कंसिडर कर सकते हो। फाइनेंशियल्स देखोगे तो फाइनेंशियली भी इसने काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाया है। FY19 में इसका जो टोटल रेवेन्यू था वो लगभग 1,014 करोड़ था, वो FY22 के चलते ये 3,222 करोड़ हो चुका है, लगभग 3 गुना हो चुका है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 33 करोड़ से लेके लगभग 674 करोड़ तक, मतलब यानी कि 20 टाइम्स लगभग बढ़ चुका है, जो कि ये काफी अच्छा रिकॉर्ड माना जाता है। सो डेफिनेटली इस स्टॉक जिस कदर करेक्ट हो चुका है तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो आप प्लीज ये अपॉर्चुनिटी को कंसिडर कीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 4 स्टॉक और उनके बाइंग लेवल्स। मार्केट अगर यहाँ से करेक्ट होता है तो बिना डरे बिना रुके इन्हीं लेवल पे बाई करके एवरेजिंग कीजिए। और हाँ, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद। दोस्तों इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, इट इज नॉट इंटेंडेड टू बी टेकन एज फाइनेंशियल और एनी टाइप ऑफ एडवाइस। इसे आप सिर्फ एंड सिर्फ एक एजुकेशन के तरह ही देखिए। द डेटा यूज फॉर एनालिसिस एंड रिसर्च इज टेकन फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स एंड रिसोर्सेज, एंड दिस चैनल डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी फॉर द एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, लीगलिटी और रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड देयर इन विच इज यूज टू मेक दिस वीडियो। आप अगर कोई भी फाइनेंशियल आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप ज़रूर लें। यहाँ पर मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि दर्शक अपने विवेक से ज़रूर काम लें।